एसएमजीएस हॉस्पिटल की ये जो आप एम्बुलेंसेस देख रहे हैं ये इमरजेंसी सर्विस के लिए 24 घंटे रेडी रहती हैं, लेकिन हालत आप इनकी देख लीजिए, क्या ये 24 घंटे रेडी रह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज के अधीन है एसएमजीएस हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पर इस एम्बुलेंस की जो हालत है, और सबसे बड़ी बात आईएनडी नंबर की बात की जाए, क्या इसको आईएनडी नंबर है? चलिए मैं मान लेता हूँ ये एम्बुलेंस नहीं चलाई जाती, लेकिन खड़ी तो है ना, कभी ना कभी काम में तो आएगी, लेकिन ये गाड़ियाँ तो नहीं है, इनके ऊपर भी आईएनडी नंबर जो है वो नहीं है। देखिए, ये सुरक्षा के लिहाज से जो मेडिकल कॉलेज के अधीन एसएमजीएस हॉस्पिटल है उसकी एम्बुलेंसेस की ये हालत है, टूटी फूटी हैं। क्या ये मरीज़ को सही से पहुंचा सकती हैं? सही से तो पहुंचाएं, लेकिन इनके अंदर जो सेफ्टी जो नंबर प्लेट है आईएनडी की, इनके पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उनको ये एम्बुलेंसेस नहीं दिखती, या सिर्फ ये दिखता है कि ये सरकारी गाड़ी है? और सरकारी गाड़ी होने के बावजूद भी सबसे पहली इनको आईएनडी नंबर प्लेट जो थी वो लगानी चाहिए थी, परंतु इन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई। और हालत आप देख लीजिए, मेडिकल एक ऐसा दायरा है जिसमें अरबों खरबों के हिसाब से जो पैसा है वो इसका आ रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि बहुत ज़्यादा जो काम अच्छा है मेडिकल प्रशासन में हो रहा है। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में तो एमरजेंसीज में आपका नंबर नहीं आएगा, और एमरजेंसीज में जो मशीनें हैं वो उनकी हालत क्या है, उनके ऑपरेटर्स जो काम करते हैं जो लोग वो वहाँ होते ही नहीं हैं। दिन भर में ये हालत है, ये मेडिकल कॉलेज के अधीन एसएमजीएस हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसेस है, लेकिन आईएनडी नंबर प्लेट एक भी गाड़ी के पास नहीं है। क्या इसका कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या मेडिकल प्रशासन इसके बारे में सोचेगा? देख लीजिए आप किस तरह से ये एम्बुलेंसेस खड़ी हैं।